हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिलीप, वेलकम टू माई चैनल एनसीईआरटी विद दिलीप, वे यू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इन द लास्ट वीडियो, इट मीन्स कि लेक्चर नंबर 3, वी हैव सीन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.1। ओके, सो क्वेश्चन 5 इज, given sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratio। it means हम लोग को sec का value दिया हुआ है, we have to find the rest of the trigonometric ratios। it means क्या बाकी रह गया, sin, cos, sec, okay, cot, cosec बाकी रह गया, तो हम लोग को वही find करना है। so first thing in the question, sec theta is equal to 13/12, अब हम लोग के पास sec की value है, तो हम लोग sec से किसकी value find कर सकते हैं। क्या होता है sec का reciprocal, क्या होता है याद करो, sec का reciprocal क्या होता है, cos। so from here cos theta is equal to 1/sec θ। okay, so, ऐसा होता है, या अदरवाइज आप लोग इसको sec theta is equal to 1/cos θ भी लिख सकते हो। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया। okay, सो हम लोग को क्या करना है, ऐसा हम लोग के पास दिया हुआ है, सो हम लोग को कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec की वैल्यू क्या है, 13/12। सो एज यू नो डिवाइड है, डिवाइड के भी डिवाइड है, तो जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वाला वो चला जाएगा न्यूमिनेटर में। सो योर आंसर विल बी 13/12/13 cos theta। ओके, हम लोग के पास फर्स्ट वाला आंसर आ गया। सो नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3-4 भी ऐसे ही हम लोग के पास था, हम लोगों इसके वैल्यू दिया है, या वी कैन से दैट हम लोग इसका वैल्यू दिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा आगे, ऑब्वियसली हम लोग को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, बट कैसा ट्राइंगल, इट मस्ट बी ए राइट ट्राइंगल। ओके, सो हम लोग के पास थीटा दिया हुआ है, ओके थीटा दिया, वी हैव बीन गिवन द थीटा, तो हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं थीटा। ओके, तो लेट बी अवर ए बी एंड सी, एज सम में इट मीन्स हमने जो थीटा सपोज किया है वो एंगल ए को सपोज किया है, बस फ्रॉम हियर हम लोगों ने ए सपोज किया है, तो हम लोग का सेक ए क्या होगा, फिर सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक का फॉर्मूला जस्ट इसका अपोजिट फॉर्मूला होगा, कोस में क्या होता था हम लोग के पास एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, इसमें क्या होगा hypotenuse upon में adjacent। so अभी हम लोग के पास क्या है, as you know ये 90 degree है, 90 degree के opposite वाले side को क्या बोलते हैं हम लोग, hypotenuse। so AC will be your hypotenuse and adjacent, it means क्या हम लोग के पास, ये adjacent हम लोग के पास होगा AB, adjacent मतलब बाजू वाला side, कितना हम लोग के पास है sec एक value 13/12। okay, so ये दोनों भी equal होगा हम लोग के पास, so from here sec a is equal to, sorry direct लिख देते हैं हम लोग, ac upon ab is equal to 13/12। हम लोग के पास फिर से अगेन रेशियो वाला आ गया, तो हम लोग रेशियो वाला कैसे सॉल्व करते हैं, is equal to k लिखे, okay k is an integer, so ये इसके सामने हो गया, it means कि ac is equal to 13k and ab is equal to 12k हम लोग के पास होगा, तो राइट डन कर दो इसका वैल्यू 12k, देन हियर ac इज इक्वल टू 13k। टू साइड का आंसर हम लोग के पास पता है, वैल्यूज पता है, तो हम लोग को bc फाइंड करना है, तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, लोग के पास हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस कि ac स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है वो साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ द साइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, 13k स्क्वायर, व्हाट द वैल्यू ऑफ द ए बी, 12k, वैल्यू ऑफ सी बी, वैल्यू ऑफ बी सी इज अननोन। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, 13 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 169, एंड k का होगा स्क्वायर k स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होगा हम लोग के पास
और k का k स्क्वायर प्लस बी सी एज इट इज वैसा का वैसे। सो भाई ये दोनों क्या है, सेम बिरादरी के हैं, सेम कास्ट वाले हैं, तुम लोग क्या करेंगे इसको ले जाएंगे इधर। ओके चलो इसको हम लोग यहीं पे सोल्व करा देते हैं। 169 माइनस 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, क्या समझ में। फिर 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 के स्क्वायर तो रहेगा इस साइड, 5 हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना 2, 1 में से 1 गया तो 0, बी सी स्क्वायर हुआ। एज यू नो स्क्वायर है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, और स्क्वायर है रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो योर आंसर विल बी 5k bc, ऐसा में। सो bc की वैल्यू भी हम लोग के पास आ गया 5k। नाउ वी आर एबल टू फाइंड द रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या फाइंड करें, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलते हम लोग साइन से, साइन a या लिख दो आप लोग साइन थीटा, थीटा उन्होंने सपोज किया ना, चलो थीटा लिख दो आप लोग। ओके सेटिस्फाइड। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है ए के लिए बी सी, हाइपोटेनस क्या हमारे पास ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, इट इज 5k, वैल्यू ऑफ ए सी इज 13k, सो कैंसिल हो जाएगा के के 5/13। सेकेंड हमारे पास आ गया कोस का, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, सो सेकेंड इज योर। चलो हमारे पास ये फर्स्ट होगा, ये हमारे पास सेकेंड होगा, वी हैव ऑलरेडी ओके थर्ड, ये होगा हमारे पास थर्ड। क्या निकालेंगे हम लोग पास सीक्वेंस में था, क्या था साइन कोस, कोस उन्होंने फाइंड कर लिया पहले, अब क्या फाइंड करेंगे टेन, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, अपोजिट क्या है इसके लिए बी सी, एंड एडजेसेंट क्या है इसके लिए ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी 5k, वैल्यू ऑफ ए बी इज 12k, के के वैल्यू कैंसिल आउट, योर फाइनल आंसर विल बी 5/12 3। ओके सो फोर्थ वन इज 10 के बाद क्या आता है cot, और cot किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है 10 का, सो cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग अब 1/10 थीटा, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी हम लोग के पास आया 5/12। अगेन फिर से वही आ गया हम लोग के पास अपॉन के भी अपॉन में है, तो एकदम डिनोमिनेटर वाला कहां चला जाएगा रिवर्स 12/5 फोर्थ हो गया। अब कॉट के बाद क्या आता हम लोग के पास सेक, सेक तो हमारे पास दिया हुआ है, सेक के बाद क्या आता हम लोग के पास कोसेक, और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन थीटा का, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज हियर 5/13। अगेन फिर से अपॉन के लिए अपॉन में, तो जो न्यूट्रल वाला कहां चला जाएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 13/5 दैट विल बी योर फिफ्थ वाला आंसर। ओके हमने फिफ्थ निकाल दिया, सिक्स वाला हम लोग ऑलरेडी दिया था। ओके बहुत ही ईजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है आप लोगों को, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। आगे हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग अलग आइडेंटिटीज, जिसमें हम लोग 10 की वैल्यू हम लोग के पास डायरेक्टली साइन और कोस से फाइंड कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इट मींस हम लोग को एक ट्राइंगल दिया हुआ है, वी हैव अ गिवन द ट्राइंगल जिसमें दो एंगल्स क्या है एक्यूट एंगल्स है, लेट सपोज कोई एक थर्ड जो एंगल है वो राइट ट्राइंगल होगा, तो रेस्ट ऑफ कितना हुआ, नहीं समझा, देखो सपोज हम लोग के पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, एज यू नो कि तीनों ही एंगल का सम कितना है विच इज 180। ओके अब ये 90 चला गया तो बचा कितना हम लोग के पास 90 बचा, मतलब ये दोनों का प्लस करेंगे तो 90 आएगा, तो सपोज ये 45 है ये 45 है दोनों एक्यूट हुआ। ओके जरूरी नहीं है ये 45 होगा, ये 45 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, बट दोनों का एडिशन रिमेन द 90, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं वो एक्यूट एंगल्स होंगे। ओके आया समझ में। चलो ऐसे ही राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। चलो सब हम लोग राइट ट्राइंगल हम लोग के पास है,
उसमें ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल। सो ए यहां पर आएगा, ए बी सी विल बी योर राइट एंगल ओके इन द ट्राइंगल ए बी सी आर एक्यूट एंगल्स। हम लोगों को यह क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, आया समझ में। अब एज यू नो ये हम लोग के पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज होगा, लिख दो यहां पर वेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ऐसा लिख देना इसके बारे में ओके, ट्राइंगल के बारे में। फिर इसके बाद सोल्यूशन यहां देखो, सो फर्स्ट कोस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए, क्या होगा वैल्यू हम लोग के पास, क्या होगा फॉर्मूला, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है कोस ऑफ फॉर्मूला हम लोग के पास, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, एडजेसेंट इट मींस की ए सी, व्हाट विल बी द हाइपोटेनस, ए बी ओके सो वन। फिर कोस बी, कोस बी इट मींस हम लोग को अब ये बी वाला कंसिडर करना है, आया समझ में। इसके लिए सेम चीज के पास, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, बी के लिए एडजेसेंट मतलब क्या, ये एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तो बाजू वाला क्या है बी सी, और हाइपोटेनस तो पूरे ट्राइंगल के लिए एक ही होगा ए बी ओके सी, ये दोनों का वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों का वैल्यू ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, वन इज इक्वल टू, इक्वेशन में वन इज इक्वल टू, सो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, हुआ इक्वल। अब ये मेरे पास दोनों इश्यू आ गया है, अब यहां क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और ये डिवाइड वाला कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो ए सी एज इट इज, बी सी नीचे शिफ्ट करो, बी सी यहां पर चला आया और ए बी यहां पर शिफ्ट करो, ए बी ए बी, आया सब में, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा ए बी वन सा ए बी वन बचा, मीन्स की ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू वन, बी सी डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ए सी इज इक्वल टू बी सी। आप लोग डायरेक्ट इसको यहां भी कट कर सकते हो, बट नहीं समझ में आएगा आप लोग को, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस आप लोग को बताया। अब दोनों ही साइड क्या है हमारे पास, इक्वल है, इट मींस कि ए सी जो है ये और बी सी ये दोनों साइड्स कैसे हैं, दे बोथ आर इक्वल। अब हम लोग ने नाइन्थ में देख लिया ऑलरेडी, चैप्टर नंबर सिक्स में आई थिंक आप लोग का ट्राइंगल जो था आपके पास, कि कोई भी किसी भी राइट ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है तो वो लोग के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ओके। सो देयरफॉर एंगल, अब एसी का अपोजिट एंगल क्या है भाई, बी बी, और बीसी का, बीसी का अपोजिट एंगल क्या है, ए एंगल ए, ऐसा लिखो या अदरवाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड हो गया ना ये चीज तुम लोग के पास, यही लाना था ना, इजी है ये ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया हुआ है, लेट्स रीड इट, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू सेन अपॉन एट, ये बोला एट इट मींस कि फाइंड करना हम लोग का वैल्यू, वन प्लस साइन थीटा इन टू, ये ब्रैकेट इट मींस इसको हम लोग पढ़ते हैं इन टू ओके, इन टू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा इन टू वन माइनस कोस थीटा सेकेंड कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग यहाँ पास कोट की वैल्यू दिया हुआ है, तुम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, साइन और कोस की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही चीज ट्राइंगल दो करेंगे, उसमें हम लोग के सपोज करेंगे, देन हम लोग रेशियो रखेंगे, देन फिर फाइंड करेंगे, वही चीज सेम करना हम लोग के पास। सो लेट सपोज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के पास ए बी सी थीटा दिया हुआ है, तो लेट्स कंसिडर एंगल ए एज अ थीटा ओके, थीटा हो गया हम लोग पास, ये 90 डिग्री है हम लोग के पास, सो cot थीटा इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट। अब कोट का फॉर्म हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट ओके, तो क्या होगा हमारे पास, एडजेसेंट एंगल ए के लिए ए बी, अपोजिट कौन सा होगा बी सी, इट मीन्स ये क्या होगा, इक्वल होगा ना ये दोनों, सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ये सब इक्वल है तो ये सेवन अपॉन एट, अगेन रेशियो वाला फंडा आ गया ना, इस फंडे के लिए क्या करेंगे हम लोग के सपोज करेंगे, सो अब ए बी का सेम टू सेम, ए बी का सामने वाला वैल्यू हो गया सेवन के, सेवन के एज वेल एज बी सी का हमारे पास हो गया एट के, अगेन फिर से क्या करेंगे हमारे पास,
वैल्यू पुट करो, 7K हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, 20K हम लोग के पास हो गया 8K। ओके, इसमें एक और चीज आपके पास डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, जैसे लाइक cot theta is equal to sin upon 8 है, तो cot में फॉर्मूला में क्या आता है, adjacent upon opposite, adjacent मतलब ये रहा 7 के रख दो, यहाँ पर 8 के रख दो, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, तो ये सब प्रोसेस आपके पास बच जाएगा। बट एग्जाम में आप लोगों को ये पूरा लिखना ही है भाई, कैसे आया कैसे नहीं आया। ओके, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज हाइपोटेनस, AC, so AC square is equal to rest of क्या बचा हुआ है साइड, AB square plus BC square, AB square plus BC square, what is the value of AB, 7K, value of BC is 8K, so 7 का square क्या हो जाएगा हमारे पास 49, और K का square हो जाएगा K square plus 8 का हो जाएगा 8 into 64, K का हो जाएगा K square, so 49 plus 64 कितना होगा हमारे पास होगा 9 plus 4 will be 13, 3 यहां पर कैरी गया 1, फिर हम बस 6 plus 4 कितना हो गया हमारे पास 10, 10 plus 1, 1 13, फिर इस वक्त k square तो रहेगा हम लोग के पास, ये ac square चलता रहेगा, अब ac square जो है यहां पर आएगा बन जाएगा root, so ac is equal to root में 113 upon k square, अब 113 किसी का square root होता है क्या, नहीं होता, so ac is equal to 113 as it is, वैसा का वैसा ही रहेगा, k का जो स्क्वायर था वो k का कैंसिल आउट हो गया, रिमेंड क्या बचा हम लोग के पास k, तो हम लोग के पास AC का वैल्यू हम लोग के पास आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सो अब हम लोग के पास AC का वैल्यू आ गया, तो यहां पर पुट कर दो AC का वैल्यू 113k, sin की वैल्यू फाइंड करनी हम लोग को एज वेल एज cos की वैल्यू फाइंड करनी हम लोग को, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब sin की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट, sin theta, sin का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है हम लोग के पास BC, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 8K, या फिर डायग्राम में देखो 8K, और AC कितना हम लोग के पास रूट वो 13K, K के वैल्यू कैंसिल आउट, सो हम लोग पास साइन थीटा के वैल्यू क्या आया हम लोग के पास 8 अपॉन रूट में 130। सेकेंड इज cos theta, cos theta is equal to क्या होता है फॉर्मूला cos theta का, adjacent upon hypotenuse, adjacent क्या है AB के लिए 7, means AB hypotenuse will be the same AC, so value of AB is 7K and hypotenuse का 113K, KK will be cancel out, तो 7 upon root में 113, ये होगा आपका cos theta का वैल्यू। ओके, साइन का वैल्यू आ गया हमारे पास, cos का वैल्यू आ गया हमारे पास, करना क्या है ये दोनों को इस वैल्यू के अंदर पुट करना है, वैल्यू रखना है हम लोग को, सो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या है, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, अगर आप थोड़ा जूम करोगे या फोकस करोगे अपने माइंड को यहां पर, पूरा यहां पर फोकस करोगे, तो देखो ये 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, it means that a plus b into a minus b, तो ये थोड़ा ऐसा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, a plus b into a minus b will be a square minus b square, बन रहा है ना ऐसा, तो लोग डायरेक्ट इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, इट मींस 1 minus 1 square minus sin square, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो वैसा भी लिखो, अदरवाइज वैल्यू पुट करो तो भी चलेगा। चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आपका आंसर क्या आएगा इसके अंदर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दे यहां पर ये वाला ए स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, ए यहां पर क्या बना 1, बी क्या बना साइन थीटा, अगेन सेम चीज यहां भी फॉलो होगा, ए प्लस 1 प्लस cos theta इंटू 1 माइनस cos theta, 1 स्क्वायर माइनस cos theta का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना, सो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर बोला हमारे पास, अब भैया साइन का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 अपॉन रूट 113, स्क्वायर कर दिए इसका, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस,
कोस का कितना वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, 7/√113। अब कैसे होगा, 1/1 एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर इट मीन व्हाट, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, मतलब ऐसा आपने देखा ही होगा फॉर्मूला, ऐसे मैथ पढ़ा होगा आपने ऐसा, इसका स्क्वायर भी होता है और इसका स्क्वायर भी होता है, इसका क्या होगा 64, ये क्या है स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, इट मीन कितना बच जाएगा मेरे पास 113 केन 1 का, फिर 7/49 हो गया मेरे पास, फिर इसका क्या होगा, इसका जब स्क्वायर यहां पर आएगा, इसका स्क्वायर हो चुका है 49, अब जब इसका स्क्वायर यहां पर आएगा तब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर कितना बचेगा मेरे पास 113 एज इट इज। सो अभी क्या करोगे आप लोग, ये इसके पास हाथ भी है पैर भी है, बट इसके पास हाथ ही ऐसे पैर नहीं है, मतलब ये लूला लंगड़ा है, इसके ऊपर मोबाइल ले लो, इसके ऊपर मोबाइल ले लो, कोस मल्टीप्लाई कर दो, या अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है आप लोगों के पास, आप लोग इसका एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम ले लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इजिएस्ट रहेगा फॉर्म, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 113 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, और 1 जो मैंने लिखा था, सपोज अगर मैंने कोई डिजिट लिखा है, सपोज मैंने 5 लिखा है, इट मीन इसके अपॉन में 1 तो है ही, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसको, नहीं, आंसर विल बी रिमेन द सेम 5, ओके। सो फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसके हुआ 113 आया, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो वही का वही है ना 64, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आपस में 13, और नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 113 माइनस इसका मल्टीप्लाई 49 के साथ तो 49, और ये दोनों का मल्टीप्लाई आपस में 113, ओके। अब 113 का माइनस करोगे आप लोग तो कितना आएगा आपके पास, ठीक है फॉरगेट इट मींस कितना मेरे पास आएगा, इसमें आएगा 49, ओके, तो आएगा यहां पर 49 अपॉन, अब सी ये डिवाइड है, डिवाइड के भी डिवाइड में है ना, इट मींस ये नीचे नीचे वाला का जाएगा कट जाएगा, ओके। सो इधर इतना बचा 49, अब इसको डिवाइड करो, इसको माइनस करो, 113 माइनस 49 तो मेरे पास आ गया 4, या मेरे पास आ गया इट मींस 64 आया, आया समझ में, तो आपका ये फाइनल आंसर होगा किसका, इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा 49 अपॉन 64 इसका फाइनल आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कोट स्क्वायर, अब कोट का स्क्वायर एट मीन कोट का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है 7/8, तो क्या करोगे आप लोग 7/8 का स्क्वायर कर दोगे, क्या हुआ इसमें 7 का स्क्वायर 49, ओके, फिर 8 का स्क्वायर कितना होगा 8/64, इसका आंसर भी आ गया। अब थोड़ा माइंड लगाओ कि ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों, तो देखो आप रीजन देखो यहां पर क्यों हुआ, 1 - sin² ये आपका बनता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos² ये बनता है आपका sin स्क्वायर थीटा, और cos अपॉन sin जो होता है हम लोग के पास cot स्क्वायर थीटा होता है, ये हम लोग आगे वाले आइडेंटिटी में पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है चीज, अगर आप थोड़ा आगे जाओगे 8.2, 8.3 में, तो ये जो चीजें हैं आप लोग उसको फॉर्मूला के थ्रू आप लोग इजिएस्ट वे में सोल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का यही बेनिफिट आपके पास, ओके, एट द एंड ऑफ द चैप्टर ना आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपके लिए ये सब बहुत इजी हो जाएगा, बस आपको करना क्या है फॉर्मूला आपको याद रखना है बस।